हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज मैं ड्यूटी के लिए तैयार हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो गुजरात का पार्किंग का सिस्टम है उसके बारे में मैं बताऊँगा। यहाँ पर कितना तंगड़ा सिस्टम है पार्किंग का। फ्री पार्किंग अलग है, पे एंड यूज पार्किंग अलग है। भरूच में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पार्किंग है, हर जगह पे आपको मिलेगी। यहाँ पे मंदिरों को जो ग्राउंड रहते हैं मंदिरों के आसपास, उसमें भी आपको फ्री की पार्किंग की सेवा मिलेगी। चलो, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे ये। चलो मैं आपको बताऊंगा पैसे वाली पार्किंग कितने पैसे लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पुलिस चेकिंग पॉइंट है और यहाँ की पुलिस बेवजह नहीं रोकेगी। अगर आप रॉन्ग साइड जा रही है तब रोकेगी, रोकेगी भी तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी, कागज़ नहीं मांगेगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी ही नहीं होती हैं, तो वो कागज़ क्यों मांगेंगे। ये बहुत कम रेयर केस में ही गाड़ी के कागज़ मांगते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है नर्मदा नदी का ब्रिज। ये ब्रिज लगभग तो 1 किलोमीटर जैसा है। दोस्तों, ये है पे एंड यूज पार्किंग। अगर आप 12 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करें तो आपको 20 रुपये पे करने होंगे। अगर आप 24 घंटे के लिए खड़ी करें तो आपको 30 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, इन भैया की ये सिक्योरिटी है, यहाँ पे उनकी गारंटी रहती है और बिना पर्ची के किसी को गाड़ी भी नहीं देते हैं भैया। तो यहाँ पे मतलब एक बहुत अच्छा सिस्टम है पार्किंग का, इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है अगर आप इधर खड़ी कर रहे तो। अगर आप फ्री वाली पार्किंग में खड़ी करना चाहते हो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। ये है फ्री वाला पार्किंग, ये जो गाड़ी है फ्री वाली पार्किंग है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतना ही नहीं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो दिखाऊंगा इधर दूर से। ये देखो, और तो गाड़ी अभी खड़ी करने को जगह नहीं मिलेगी। ये देखो, ये फ्री वाली पार्किंग है, दूर दूर तक लाइन लगी होगी। और इधर भी ये देखो, और एक से एक बड़ी गाड़ी देखो, बहुत सारी नई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इधर। ये में कोई भी गाड़ी चोरी नहीं होती है, कहीं भी कहीं ना चोरी होती है यहाँ पे, और ना ही पेट्रोल निकाला जाता है, और ना ही कोई बोल्ट। हेलमेट भी ऐसे रख के चले जाते हैं लोग, और ऐसे रख के रहते हैं। देखो दोस्तों, ये गाड़ियाँ 10 घंटे ऐसे ही खड़ी रहेंगी। लो, हमारे सामने गाड़ी खड़ी पार्क कर दी। ये देखो दोस्तों, ये सब फ्री वाली पार्किंग है। ये भी शायद FZ है। ये देखो क्या हो गया, लग नहीं रहा है, जगह मिल गई सर। ये सारी 4 व्हीलर भी ऐसे पार्किंग विदाउट पे लगी है, पार्किंग सिस्टम है। ये देखो, मैं वीडियो कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। ये देखो, ये फ्री वाली पार्किंग है दोस्तों। अभी मैं आपको, ऐसा नहीं, यहाँ पे पुरानी गाड़ी खड़ी होती है, पुरानी नहीं नई भी गाड़ी खड़ी होती है, और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, 4 व्हीलर भी खड़ी होती है। यार ला बोलो दो। दोस्तों, मैं इधर पिछले 1.5 साल से गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम ना आई है, ना ही पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम आया है, पेट्रोल निकाल दिया ऐसा।